हेलो गाइस गाइस, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं स्टाइपेंड को लेके, कि स्टाइपेंड कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ें क्वेरीज आ रहे हैं। तो गाइस, बहुत सारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना मुश्किल हो पा रहा है, ठीक है, और लोग को समझ में भी नहीं आ रहा। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे वीडियोज़ में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि भाई, ये कि कैसे गाइस, मैं ये सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने कंप्लीट किया है वर्क, मोस्टली लोगों ने तो नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया है, वीक 1 या वीक 2 का। तो गाइस, मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करने जा रहा हूँ, प्लीज़ और इसको अच्छे से सुनना आप लोग, ठीक है। तो फिर ये जैक्स की वेबसाइट पे हम आए, अभी आप देख सकते हो कि हम नोटिस अभी यहाँ पे आ रहे हैं। गाइस, ये डेली वर्क नोटिफिकेशन टोन हम गए हैं। यहाँ पे आने के बाद PDF में, आई थिंक ये पिछले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है डेली वॉक के बारे में। तो गाइज, ये वीक 1 का ही सारे काम, तो बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया है, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी किया है, और कुछ लोगों की क्वेरी है कि नोट्स बनाया तो वीडियोज भी बनाना, और का मतलब गाइज ये दोनों है। मैंने पिछले वीडियो में बोला कि दोनों, ये और लिख दिया, गलती से लिखा हुआ है, बट ये दोनों बनानी है, सिर्फ नोट्स नहीं चाहिए, मैं वीडियोज भी चाहिए दोनों। आप जैसे भी बनाओ वीडियोज, चाहे आप अपनी इंट्रोडक्शन कैसे भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वीडियोस में आप आके बोलो, या फिर आप स्क्रीन पे कुछ और भी डाल सकते हो, नोट्स और आप प्ले कर सकते हो, जैसे वीडियो में बना रहा हो उस टाइप के भी बना सकते हो आप, नहीं तो आप मोबाइल में, और इसे नॉर्मल वीडियो बनाने, कोई टफ वीडियो नहीं। और यहाँ पे भी शेयरिंग एंड ऑल का लोग बहुत सारे, बहुत कम लोगों ने किया है, ठीक है। तो गाइस, ये ऐसे नहीं कि एक बार शेयर कर लिए हो गया, बार बार करना होता है, ठीक है, टैग करना होता है दोस्तों को, तो इस सब में चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वीक डे 4 या डे 5 में बहुत सारे लोगों के एरर है, बहुत सारे लोगों ने ईमेल किया हुआ है, तो गाइज ईमेल का रिप्लाई तो नहीं मिल पाया, सबको देना मुश्किल हो पा रहा है, बस जिन्होंने अच्छे से काम किया उनको बताया गया, मोस्टली लोगों के एरर है। तो गाइज, डे 4 डे 5 पर चीज़ें ठीक करो आप लोग, ठीक है, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें करो आप, ठीक है, शेयरिंग अच्छे से करो आप, ठीक है। ये SDG के बारे में बोला हुआ है, मोस्टली लोगों ने SDG का नहीं बना पाया, 17 गोल्स, गोल 1, गोल 2, गोल 3 का सबका बोलना है उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, पर उन्होंने किसी ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये डे 7 है, डे 7 का भी इसमें भी एक टॉपिक अच्छे फर्दर इस पर करना था, जो आपकी इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसी पे वीक 3 वीक 4 पे काम चलेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, जो डे 7 है वो वीक 3 वीक 4 पे आ जाएगा, जो आपकी सिलेक्टेड, जो अभी आपकी इंटरेस्टेड टॉपिक है उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो गाइस, इसमें बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किया, बहुत सारे लोगों की इसमें प्लीज़ कंप्लीट करो इसको, ठीक है, कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं कंप्लीट करोगे तो फिर फर्दर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे नहीं कि आपने जैसे तैसे कर लिया और फिर आगे भी काम दे दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप प्रीवियस वर्क अच्छे से नहीं करोगे, पूरा क्लीन नहीं होगा सारी चीज़, तब तक आगे आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि हर जगह पे थोड़ा थोड़ा छोड़ छाड़ के, जैसे भी स्टार्ट करके, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, टेक टाइम और फिर से करो इनको अच्छे तरीके से, ठीक है। ये टीम 2 में इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैसे बनेगा, पॉसिबल नहीं है ये, गाइज पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं, बहुत सारे लोगों के इश्यूज, हमें पहले भी नहीं बताया गया, अचानक से क्या, पहले कुछ डिसाइड नहीं होती, ठीक है, टाइम टू टाइम वर्क आती, जैसे वर्क आती है वैसे ही करनी होती है, ठीक है। हमें भी कुछ नहीं पता होता, इसकी अलग टीम होती है जो डिसाइड करती है इस मंथ का या 2-3 मंथ्स का वर्क, ठीक है। तो गाइस, ये सारे काम आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपको काम तो करना है ना, आपको तो काम दिया गया था, आपको काम करना, चाहे काम जो भी हो, आपको 2-3 आवर्स काम करना, करो आप अच्छे से करो आप, ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं, ठीक है। और इफ नॉट अ टफ, तो गाइज बहुत सारे लोगों की इशू है, हमें सिर्फ क्या क्या गाइज, एग्जीक्यूटिव बनानी 3 मेंबर, ठीक है, कोर 5 5 बनानी, कोऑर्डिनेटर 7, वॉलंटियर आप जितना बना सकते हैं, मिनिमम 10 आप बनाओ, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट करो वॉलंटियर बनाना, फ्री वॉलंटियर से आप फ्री मिलो सारे, फ्री में आप अपने अंदर मिलो, फिर कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट करो, तो आप वॉलेंटियर आप बना सकते हो, 50, 100, 500, जितना वॉलेंटियर आप बना सकते हो, क्योंकि वॉलेंटियर्स के लोग काफ़ी अप्लाई करते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे आते हैं तो मैंने मना कर देते, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वॉलेंटियर्स आप लोगों से, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी वॉलेंटियर्स है, तो यही वॉलेंटियर्स आपको कोऑर्डिनेटर को एग्जीक्यूटिव बनाने में हेल्प करेगा, अच्छे लोग लेकर आएगा। तो आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, देन गो दिस दिस दिस, ठीक
ठीक है। और ये गैस जब तक आप वीक टू का कंप्लीट नहीं करोगे, वीक थ्री वीक फोर में नहीं आ सकते। आपको ये कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं कि हमने किया नहीं हुआ, चलो आप वीक थ्री वीक फोर, ऐसे नहीं होगा। आपको पूरे कंप्लीट करना है वीक वाइज वर्क। अगर वीक वाइज वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि लाइक फिर आगे प्रमोट होंगे या फिर कुछ भी है, ठीक है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को लाइक नहीं बताया। लोग पूछ रहे कि लाइक हमें डेली वर्क बताओ, अरे हमने ऑलरेडी डे रखे हैं तो आप उस पर फोकस करो। उसको भूल जाते हैं, फिर से रोज पूछते हैं कि आज क्या करना है। अरे ऑलरेडी यहाँ पे डे रखे हैं ना, बता रहे थे, तो आप करो उसको फॉलोअप करो अच्छे से, अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठो, बात करो। ये सारे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लाइक हमें तो वर्क फ्रॉम होम है, तुम घर पे बैठ के करें। तो ये घर पे ही तो बैठ के करनी है, ब्लॉग पे करनी है, सोशल मीडिया उस पर करनी है। आपको नहीं पता कैसे करना तो यूट्यूब पे जाके देखो, 2 4 10 मिनट की वीडियो, इतना तो करना तो बनता है ना। चाहोगे कि लाइक सब चीज बने हुए बन जाए, बस हमें बैठना और कुछ करना ना पड़े, तो ऐसे नहीं होता ना, काम करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। वीक थ्री का बहुत सारे इश्यू जा रहे हैं कि वीक थ्री में क्या गाइस, पहले वीक वन वीक टू कंप्लीट हो जाने के बाद ना वीक थ्री का जो भी वर्क होगा वो आपको पर्सनली अलॉट किया जाएगा। पर्सनली अलॉट मीन्स कि आपको टीम बनने के बाद फिर आपके अकॉर्डिंग वो वर्क होता है, ठीक है। तो आपको वर्क दिया जाता है, आप चॉइस वर्क है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 5 6 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप सिलेक्ट करो कोई भी वर्क, ठीक है। और किस टाइप की वर्क होगा, मैंने एक तो आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कि आप एसटीजी गोल्स जो होगा एक आपका वो हो जाएगा, बाकी ये पेपर राइटिंग, इवेंट्स, ईमेल वर्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगा, प्रेजेंटेशन वगैरह, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम लो, चाहे वर्क फ्रॉम फील्ड वर्क लो, आपको जो लेना है, रिसर्च पेपर्स आ जाए, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपको वीक थ्री यहाँ पे आने के लिए पहले ये सब कंप्लीट करने के बाद ही आप यहाँ आओगे, नहीं तो आप नहीं यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद भी अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ वीक टू में, तो वीक थ्री में यही काम चलेगा, वीक फोर में भी यही काम चलेगा, आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट मंथ में नहीं दिया जाएगा, इसी मंथ में कंप्लीट करना। तो आपको ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप आगे पूरा 1 मंथ का जो रिपोर्ट्स बनानी होती है स्टेप एंड ऑल के लिए, तभी आपको इशू हो पाएगा, नहीं तो वैसे इशू नहीं हो पाएगा, दिक्कतें होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और लाइक वीक थर्ड का इश्यूज हो रहे हैं ना काफ़ी लोगों को, तो वीक थर्ड में जैसे आपके टीम्स बन गए, वो सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद काम रिलोड किया जाएगा। जो 5 6 स्टेप्स की वर्क होती है, चॉइस होती है आपकी, ठीक है, इसमें भी सेम, ठीक। फिर ये सब होने के बाद बहुत सारे लोग बोल ई मेल्स पर हमने किया, हमें ई मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा। गाइस ई मेल का रिप्लाई आपको इंस्टेंट करेंटली में नहीं आएगा, जैसे आपने किया तुरंत आपको ई मेल करते नहीं, आपको पूरे मंथ का रिव्यू होता है, ठीक है। आपको जस्ट ईमेल आपको करनी है बस, हो गई। और आप ईमेल करने के बाद इन्फॉर्म कर दिया करो कि हमने ये काम किया, ऐसे कर दिया। तो आप ये मत सोचो कि मैं रिप्लाई करेगा, हमें बताएगा। आपको पूरे मंथ, पूरे वीक का वक्त दिया है, पूरे मंथ का मतलब बता दिया गया। जैसे वीक टू पे आप आओगे ये सब फिनिश होने के बाद वीक थ्री पे, तो ऑलरेडी फिर आपको, तब तो आपको रिप्लाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आपको ये सब चीज़, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद कर सकते हो, इसके लिए रिप्लाई एंड ऑल की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी मिस्टेक होती तो आपको टाइम दिया जाता है। वीक थर्ड वीक फोर्थ पे आपको सपोर्ट चाहिए होता तो आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और बाकी जैसे पुराना मेंबर होंगे तो आपको वैसे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, वैसे नए और फ्रेशर को थोड़ा सा मतलब काम ज़्यादा ही करना होता है, ठीक है। तो वैसे ये सारी चीज़ें, और बाकी लोग बोल रहे थे कि लाइक स्टाइपेंस है। देखो स्टाइपेंस का मतलब ये होता है कि आपने काम किया है और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगा तो आपको स्टाइपेंड दे रहा है, स्टाइपेंड, ठीक है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती स्टाइपेंड मांगो कि हमें चाहिए चाहिए, वो सैलरी होती है जो आप जबरदस्ती आप बोलते हो, ठीक है। स्टाइपेंड का मतलब होता है कि एक अवार्ड टाइप का होता है, ठीक है, आपको कुछ पैसे मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 20 मतलब 10 दिन काम किया और 20 दिन बस कुछ नहीं किया, फिर अधूरा टीम बना लिया, या फिर कुछ अधूरा अधूरा मतलब लाइक 50 50% वर्कर को छोड़ दिया, फिर लास्ट में आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइज ये सब चीज़ें नहीं चलेगा, ठीक है। और इस पे लाइक ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर किसी और एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है कि आपको कोई कुछ प्रोवाइड करवा पाएगा, ठीक है। आपको लाइक ये अलग टीम बैठती है, 10 लोग जो डिसाइड करती है देना है क्या करना है, किसको कैंसिल करना है, ठीक है, वो अलग होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात गाइज, और बहुत सारे लोगों की ये होती है कि लाइक हमें नए मेंबर्स ले रहे हैं तो उसको भी यही काम करना। गैस देखो ये फिक्स नहीं, अभी जो करंट में चल रहा है अभी तो वही कराना, बाकी जैसे अगर मंथ काम चेंज होता है तो फिर उसको वैसे असाइन किया जाएगा, आपको यहीं पे सारी चीज़ें मिलेगा, ठीक है। हम बात रहे कि गैस लाइक इसका ये मंथली वाली जो फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक
जैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे देखो आपको डेली नोटिफिकेशन वर्क वाली में यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ये आ गया पूरे मंथ का प्रोग्रेस आपको बनानी है। ठीक है, जैसे आपकी प्रोग्रेस हो जाती है जो भी स्टाइपेंड के लिए जो डाल रहे हैं लोग, तो लाइक ये सारी चीजें देखो आप, डेट डालने, जिस जिस डेट को आपने क्या क्या काम किया, टाइम डालना, किस टाइम को आपने किया इवनिंग नाइट, किस टाइम को वर्क टाइप किया है, टीम बिल्डिंग या फिर क्या क्या हेडिंग डालनी, और आपने उसके अंदर क्या किया है वो कमेंट्स करें। तो गाइस इसको पहले प्रिंट कराना, फिर पेन से फिल करना है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें करके, फिर ये सारी चीज़ आपको फिल करके, सिग्नेचर और ये स्कैन करके, और जैक्स की जो आईडी है jax@gmail.com उस पर आपको भेजना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको भेजना है। ठीक है, देखो इसमें भी 30 डेज का मतलब मांग रहा है। ठीक है, 1 मंथ का। गाइस मोस्टली लोगों ने टीम ही नहीं बनाया हुआ प्रॉपर तरीके से, तो लाइक कैसे आप आगे बढ़ोगे, उसमें दिक्कत तो यहाँ पे आएगी। बट कुछ लोगों ने कंप्लीट किया है, वो तो पूरा करेगा, उनको भी थर्ड का भी फोर्थ का भी काम दे दिया गया है। विथ थर्ड विथ फोर्थ उनको पर्सनल आईडी ईमेल्स पे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा विथ थर्ड विथ फोर्थ, और नेक्स्ट मंथ का भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये जो अभी दिया गया है सिर्फ बेसिक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्कशॉप ना ईमेल्स पे आपको पर्सनल वर्क जाएगा, क्योंकि वो सेपरेट होता है, सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क दिया जाता है। ये जो नए बच्चे होते हैं उनको सिर्फ नए लोगों के लिए ये सेम होता है, वहाँ के जैसे इनसे हो जाता है मतलब, तो ये कंप्लीट होते तो ओल्ड मतलब लाइक सीनियर्स मेंबर्स में आ जाते हैं, फिर उनको फिर अलग कैटेगरी अलग हिसाब से उनको वर्क दिया जाता। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइस। दूसरी बार गाइस बहुत सारे लोग मतलब ये बोल रहे कि लाइक हमने तो रजिस्ट्रेशन इसलिए किया था, इसलिए किया था गाइस, इसलिए किया था, और देखो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट्स दिए या जो भी दिए वो लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको भी रिफंडेबल है, वो नहीं तक हम रख नहीं रहे पैसे। बट अभी लाइक करेंट में कोई रिफंड मांग रहे हैं या कुछ इशू है तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक, दूसरी बात इशू आ रहे हैं कि लाइक हमें तो कुछ ऐसा बताया नहीं है गाइज, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता वो, मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे खुद नहीं पता होता कि कल मुझे क्या काम करना होगा, तो लाइक मुझे जैसे कंडीशन बनता है वैसे काम करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्क आता है, टीम गाइज बनाने इसलिए जरूरी है कि लाइक जो भी वर्क आता है टीम दिखानी होती है, टीम परफॉर्मेंस की भी आप पे पैसे इशू होते हैं, वैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो गाइज ये सारे मतलब लाइक मोड है गाइज, और एक दो बार आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, और कोई टफ नहीं है, जैसे आप टीम बिल्डिंग टीम कैसे बनानी है लोग बोलते बहुत टफ है, कुछ ऐसे टफ नहीं है, ईजी है बनाना। ठीक है, आप सिर्फ क्या करोगे उसमें एक लाइक टीम फॉर्मेशन, टीम बिल्डिंग गूगल पे भी करोगे आप, और गाइस तो आप अपने पोस्टर्स लगाओ जहाँ पोस्टर्स लगा सकते हो, जहाँ पे जो भी पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया ग्रुप पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हो वो करो आप, वो करोगे। अब ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिए हो गया, बार बार करना होता है। ठीक है, और लाइक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइक कैंपस परमिशन, अगर आपको परमिशन चाहिए होता तो परमिशन लो, अगर जरूरत नहीं है तो मत लो, ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है, ऑर्गेनाइजेशन जाके तो बात नहीं करेगा ना, आपको करनी है। ठीक है, और आप ये काम तो आपका है ना, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को करनी है, आपको करनी है, यूनिक स्टाइपेंड्स एंड ऑल थिंग्स, ओके, तो आपको करनी है, और एक ही बार तो बनानी है, बार बार तो आपको टीम बनानी नहीं है, कुछ ऐसे करनी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो करनी होगी ना, अब ऐसे तो नहीं ना कि आपको लाइक घर पे बैठे रहो बस, और को ठीक है थोड़ा मोटा काम कर लो पैसे दे देंगे, ऐसे तो नहीं होते ना, कोई अपने घर से तो पैसे नहीं देगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आपको अगर कोई इतना पैसा दे रहा है तो लाइक आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक है, बस सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स रखो उसका यूज़ करो। ठीक है, और वैसे भी स्टूडेंट्स लाइफ में सर्टिफिकेट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आपको जो काफ़ी जॉब्स और स्टडीज और ये सब में काम आएगा उसके लिए काम करो, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट्स के लिए काम करते हैं, उनके अचीवमेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल के लिए एक्सपोजर के लिए करते हैं, नॉट फॉर स्टाफिंग, सबको स्टाफिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ ध्यान रखो आप, और स्टाइपेंड्स के लिए अगर सच में स्टाइपेंड चाहिए तो आपको फिर स्टाइपेंड अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, आप अच्छी मार्क्स चाहिए तो लाइक आपको ज़्यादा पढ़नी होती है, वैसे ही अगर आपको अच्छे से काम करना होगा अब उसमें ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और स्टाइपेंड एक अवार्ड्स होती है, ये अवार्ड्स किसको मिलता है पता है ना आपको, जो अच्छे से काम करता है, फुलफिल करता है काम, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क तो अच्छा लगता है तो लाइक आपको देता है स्टाइपेंड का मतलब ये। तो ये सारी चीज़ें स्टाइपेंड इसलिए रखा गया ऑर्गेनाइजेशन में, जो लाइक बहुत अच्छे एक अप्रिसिएशन है। ठीक है, अप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ, ऐसे नहीं कि सैलरी ये फिक्स है आपको देंगे ही देंगे, कुछ करो या ना करो। ठीक
ठीक है, ये सारे गाइड देख के आप करवा देगा।